आपसे मिलने से I am Daniel Dan. Danny can say to be your chief. Okay. Can I start running? No. नहीं लाएगा बोलते हैं आप कुछ अपना पहला स्टेप जो है उस मिक्सर का उसमें आपके डिपार्टमेंट जो बहुत महत्वपूर्ण है उसका क्या लक्ष्य है बहुत सारे इश्यूज हैं मेरे डिपार्टमेंट के जैसे आप एनजीटी की बात कह लें टीसीपी की बात कह लें तो ये सारे इश्यूज हमारे सामने एक चैलेंज है और कोर्ट का जो डिसीजन उन्होंने दिया है वर्डिक्ट उनका जो है उसके अकॉर्डिंगली हम देखेंगे कि हम क्या राहत दे सकते हैं क्योंकि प्रदेशवासियों का भी ध्यान रखना पड़ेगा चाहे वो होटलर्स हैं चाहे जिन्होंने होम स्टे किया है और ये भी है कि थोड़ा बहुत जो उनका जो डिसीजन है नक्शों का जब क्या उन्होंने किसी हिसाब से अपना काम किया है उसमें जो कोर्ट ने कहा है उसको भी ध्यान में रखते हुए हम कोशिश कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी के ध्यान में भी बहुत सारी बातें मेरे सेक्रेटरी और मैंने भी डिसाइड किया आने वाले दिनों में मेरी कोशिश रहेगी कि जिसने पैसा लगाया अपने बिजनेस पे उसको सरकार की ओर से क्या राहत दे सकती और साथ साथ में ऑनरेबल कोर्ट का भी हमें सम्मान करना होगा तो 100 दिन के टारगेट्स में और भी बहुत सारे पॉइंट्स बहुत सारी बातें वेबसाइट बना रहे हैं जैसे मेरा हिमुडा का ही है हमने आदेश दिया कि हिमुडा की प्रॉपर्टीज केवल नहीं बिक पाती है तो उसमें कैसे एडवर्टाइज करना है जैसे आपके यहाँ पर हमें कोई ना कोई जैसे आप प्रेस के माध्यम से या कोई उसमें कुछ लोगों को ऐसा लगाया जाए ताकि उसकी एडवर्टाइजमेंट हो सके तो बहुत सारे मुद्दे अलग अलग यूडी में भी है हिमुडा में भी है टीसीपी के भी हैं तो अपने अपने स्तर पे जो है अब विभाग इसमें देख रहे हैं और 100 दिन के बाद मुख्यमंत्री जी ने इसकी समीक्षा करनी उसके लिए हम तैयार हैं जो एनजीटी का जो आया है आदेश क्या उसके खिलाफ या उसकी अपील में जा रहे हैं खिलाफ तो नहीं कह सकते लेकिन कोर्ट का सम्मान करते हुए नेचुरली हमारा राइट है हम उसको हायर कोर्ट में उसकी चाहे वो पर्यावरण की दृष्टि से उस कोर्ट तक भी लेके जाएंगे क्योंकि पहले था कि जैसे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का जैसे ग्रीन एरिया में ही उसका रहता था अब पूरा शिमला ही उसमें कवर हो गया है और शिमला ज़्यादा प्रभावित है मुझे ऐसा लगता है कि ये इसलिए ज़रूरी है कि जैसे पुरानी बिल्डिंग है किसी हॉस्पिटल की उसमें 2 कमरे ऐड करने हैं स्कूल की कोई बिल्डिंग है या लोगों ने अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी बनाई उसको रिपेयर तक नहीं वो कर पा रहे हैं तो मुझे लगता है ये इसलिए ज़रूरी है कि इसको हम आगे कोर्ट में करें उसके लिए भी हमने विभाग के लेवल पर वकील भी लगभग तय कर लिया है और उसके लिए पेपर वर्क चल रहा है मेरा सर एक स्मार्ट सिटी का है वो कब तक का टारगेट रखा है कब तक बंद करके आ स्मार्ट सिटी का पहला तो धर्मशाला है ना जी जो पहले 100 स्मार्ट सिटी जो है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो सोच है जैसे स्वच्छ भारत था इसलिए एक डेवलप भारत की जो सोच है स्मार्ट सिटी के नाम से मुझे लगता है एक स्मार्ट प्रधानमंत्री ने स्मार्ट सिटी की सोच भारतवर्ष में लाए हैं और उसी के अनुरूप अभी लगभग 1.5 साल से ज़्यादा समय हो गया औपचारिकता ही अभी पूरी नहीं हो पाई है कुछ एक फॉर्मेलिटीज़ हुई हैं बहुत कुछ करने के लिए है और ये 5 साल का टारगेट था 2019 तक तो हमारी कोशिश रहेगी मैंने इसके लिए हमारे कमिश्नर जो हैं धर्मशाला में आ गए हैं मेरी उनके साथ विभाग के साथ बैठक भी हो गई है तो हम जो टारगेट रहेगा स्मार्ट सिटी का उसको मेरी कोशिश रहेगी कि क्वालिटी में और जो इंफ्रास्ट्रक्चर में उसमें कोई कंप्रोमाइज़ ना हो इंटरनेशनल मापदंड के अकॉर्डिंगली जो है स्मार्ट सिटी बने ये नहीं कि हफा चढ़ली फटाफट दिखाने के लिए पिछले दिनों कुछ काम ऐसे भी हुए मैं पुराने चीज़ों पे कमेंट नहीं करना चाहती कि भी सिर्फ दिखाने के लिए भी बन गई बढ़िया से सर लेकिन एक्चुअली उसके मापदंड जो है जिसमें अच्छा हॉस्पिटल की अगर बात कहें फिर बस स्टैंड्स की उसमें बात है स्मार्ट रूम्स की बात है और टॉय ट्रेन टाइप जो बातें रखी गई हैं
तो बाइक शेयरिंग की बात है, बहुत सारी चीज़ें स्मार्ट सिटी में बहुत कुछ करने वाला है। तो उन सारे एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखते हुए कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर धर्मशाला में नए आ गए हैं और हर स्तर पे इसमें काम हो रहा है। आने वाले में दिनों में हम देखते हैं कि क्या टारगेट पूरे कर पाते हैं। मैम, जैसे कि हमारे पूरे देश में काफ़ी ज़िले जो पिछले वर्ष से संबंधित हुए, जिसमें चंबा जिला को पिछला वर्ग का वो मिला है, इसको खुश नसीब समझे या कुछ और, लेकिन क्या विकास मंत्रालय आपका जिस तरह से है उसमें चंबा के लिए क्या आपकी प्राथमिकताएं रहेंगी पिछले वर्ग को लेकर? देखिए, कहने को चंबा पिछड़ा जरूर हम कहेंगे, लेकिन ये हम अपना सौभाग्य भी माने चंबावासी कि इसको उसमें पिछड़े में कवर अगर हुआ है, ये चंबा की बेहतरीन विकास के लिए है। हेल्थ के पॉइंट पर से, एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, स्वच्छता के पॉइंट ऑफ व्यू से, और बहुत सारी चीज़ें जो है इसमें ये टारगेटेड है, टाइम बाउंड है, और पैसा आएगा। केंद्र ने अपने दरवाजे खोले हैं चंबा के लिए, और पूरे हिमाचल प्रदेश में चंबा को अगर चुना गया है तो बहुत कुछ इसमें मैं मानती हूँ। सड़कों का, जैसा आज भी नैयर साहब और मैडम बता रहे थे सड़कों की बात, पानी की स्कीम्स, ये सारा कुछ इसमें कवर हो रहा है। तो मुझे लगा चंबा के लिए एक हेल्दी साइन है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने यहाँ चंबा को एक बैकवर्ड एरिया अगर के क्लोज में लिया है, तो बहुत सारे हमारे सिटी से, टाउन से, रूरल और अर्बन एरिया से बेटर हो सकता है चंबा एक मॉडल सिटी। कि यूपी सरकार ने किया था इसको, चलो 50 दिनों में थे, अब 115 और इजाफा हुआ। वो तो कुछ बोलेंगे ना कि वो कुछ कर नहीं पाए, हम कुछ करके देने वाले हैं। क्योंकि आपने देखा नरेंद्र मोदी जी बहुत सारी लोगों की बातें सुनते हुए भी एक पॉइंट ऑफ व्यू बना पाए। जैसे मुखर्जी जी हमारे देश के राष्ट्रपति रहे, लेकिन उनके कायल थे, उन्होंने जो लास्ट स्पीच दी उसमें वो उनके आंखों में आंसू आ गए। उनको लगा कि एक ऐसा प्रधानमंत्री जिसकी सोच इतनी बड़ी, और अब हम जानते हैं हमने घर में अपने बच्चों को कुछ अच्छी सीख देनी हो, कुछ उनको अपनी लाइन से कुछ और हटाना हो, तो हमें कितना समय लगता है। इतना बड़ा देश है, इतना बड़ा काम हो रहा है, तो उसमें प्लस चीज़ें हैं, हमें पॉजिटिव एनर्जी से उसको लेना पड़ेगा, और पॉजिटिव एनर्जी से लेंगे तो काम बेहतरीन होगा। तो आपने बिल्कुल सही उठाया। तो मुझे लगता है कि आज मुझे पीछे बने खेत में बोला, देखो जी हमें तो बैकवर्ड में रखा। मैं कहे हम इसको सौभाग्य माने अपना, कहने को बैकवर्ड, लेकिन आपके आप ये देखो कि कितना पैसा आएगा, कितनी कितने विकास के लिए जो है आपके आपके लिए सोचा गया है, पूरे हिमाचल में एक चंबा जिला लिया है। मैम, जैसे कि आपने अभी स्मार्ट सिटी का वो किया जिसमें धर्मशाला भी आती है, शिमला को भी तवज्जो दी गई है, चंबा जो 1000 वर्ष से भी पुराना प्राचीन शहर है, क्या ये कभी स्मार्ट सिटी की गणना में आ सकते हैं? देखिए, आपके मैडम बैठे हैं, चेयरपर्सन है नगर परिषद के, है ना, मेरा शाहपुर तो उसमें भी नहीं है जो मेरा विधानसभा क्षेत्र है। विकास के रास्ते हमेशा खुले रहते हैं। अभी 100 स्मार्ट सिटीज ली हैं, आई थिंक 90 या 99 के करीब तो वो ऑलरेडी सिलेक्ट हो गया है। आने वाले दिनों में आपका पिछड़ा क्षेत्र के नाते ही विकास आ जाएगा। तो कोई तो अमृत योजना में सोचता कोई स्कीम मिल जाए एक एक योजना के लिए, आपके लिए तो बहुत सारा विकास की बात सुंदर रहेगी। और मैं आपको बधाई देना चाहती हूँ कि चंबा जिला जो है विकास में आगे आएगा। बड़े शहरी क्षेत्र में विकास की दृष्टि से हर एक स्कोप सरकार ढूंढ भी रही है, उस पर कार्य करने की योजना बना रही है, पर सबसे बड़ा इसमें प्रॉब्लम आती है अतिक्रमण, इंक्रोचमेंट। वो हर सिटी में है, हिमाचल के 12 के 12 जिलों में जो वहाँ पे हेडक्वार्टर है वहाँ पे अतिक्रमण का बोलबाला है। उसमें खोखे भी बने हैं, रेडिये फड़िए भी लगी है, उनको किस टाइप से सेटलमेंट करेंगे, इसके तरफ क्या सरकार सोच रही है? सरकारें भी इसके बारे में सोचती हैं, लेकिन कोर्ट जो है आजकल काफ़ी सख्त हो गया है। आपके ध्यान में TCP का मामला ही ले लें, ये कुछ सरकारों का मामला है। सरकारों ने तो रिलैक्सेशन के लिए अप्लाई किया था जिसको कोर्ट ने वापस कर दिया, ठुकरा दिया, और फिर वो हमारे मेरे उस जहन में है। मैं चाहती हूँ कि एक बंदे ने होटल बनाया और उसका अगर बिजली पानी कटा है तो उसको कुछ राहत मिलनी चाहिए। तो बात वही आके टिकती है कि कोर्ट का भी सम्मान करेंगे और इस चीज़ को कैसे सुलझाना है, वो भी मेरे लिए एक चैलेंज है। जैसे हमारा डलोजी है हमारा, उसमें जो होटल 3 मंजिला पास है उसकी 8 मंजिलें बनी हुई है, और पिछले कई सालों से वो व्यापार कर रहा है। जब डिपार्टमेंट एक्शन करता है तो बोलते हैं जी हम बंद कर देते हैं उस फ्लोर को।
थोड़े टाइम के लिए बंद कर देते हैं फिर चालू हो जाता है, तो कहीं ना कहीं तो रोक लगानी पड़ेगी ना। तो इस दृष्टि में आपका ढलोजी के प्रति क्या नजरिया रहेगा? मेरा नजरिया जो है पूरे प्रदेश के लिए एक समान रहेगा पहले स्टेप में। तो मुझे लगता है तुरंत कुछ दिनों में, आने वाले दिनों में इसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगी। जो मैंने तैयार किया है उसको मुख्यमंत्री जी के ध्यान में लाके उसको क्रियान्वयन कुछ ही दिनों में आप देखेंगे। इसके कुछ ना कुछ सरकार इसके लिए पॉजिटिव, मुझे लगता है जितना ऑथराइज है कम से कम उस पर तो लोगों का बिजनेस चलना चाहिए, है ना। बाकी आने वाले दिनों में जो इंस्ट्रक्शंस कोर्ट की या कैसे उसमें सुलझाना जाए वो सेपरेट इशू हो जाएगा। लेकिन किसी ने होटल बनाया है, सपोज किसी ने 15 कमरे बनाए और 10 उसके जो हैं वो ऑथराइज उसमें आते हैं, उसमें नक्शा वक्शा पास है, तो उस पर तो कम से कम बिजनेस चले। टोटली बिजनेस लोगों का नहीं बंद होना चाहिए, क्योंकि लोगों को भी हम सबको आदत हो गई है कि क्या होगा जी, ये हो तो जाता है, आता तो है बीच में कि रिलैक्सेशन गवर्नमेंट्स देती हैं, ऐसे कभी ना कभी फिर आ जाएगी रिलैक्सेशन। आप बंदे की धारणा ही ऐसा हो गई थी। तो अब डिसिप्लिन लाइफ में, डिसिप्लिन तो कोर्ट इम्पोज कर रहा है, चाहे वो इंक्रोचमेंट की बात हो, चाहे पॉलिटिकल विल से इतना ज़्यादा हम लोग नहीं कर पाते कोई भी पार्टी हो, लेकिन जिस तरह से कोर्ट सख्त हुआ तो उसके अकॉर्डिंगली सरकारों को काम करना पड़ेगा। अच्छा मैडम, एक आप पे जिम्मेवारी अब डबल आ गई है, एक तो आप अपने इलाके के मंत्री हैं डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा से, दूसरा चंबा जिले का पूरा दायित्व आपके ऊपर है क्योंकि चंबा से कोई मंत्री नहीं है, तो सबसे नज़दीक हमारे आप ही है, तो चंबा जिला के प्रति आपका क्या रहेगा? जो भी पॉजिटिव है, चंबा की प्रभारी भी रही हूँ अपने पार्टी की, आपके ध्यान में है, तब भी मेरा चंबा आना रहता था, और जब मैं मंत्री बनी थी तब भी मुझे याद है पिछले टर्नियर में पहला मुझे 26 जनवरी का कार्यक्रम मुझे चंबा में मिले था, ये कोइंसिडेंटली इस बार भी मुझे चंबा जिला मिला है। और आपने कहा मंत्री की बात, मंत्री तो जो 12 बनने थे वही बनने थे, ठीक है ना जी, और आपको डिप्टी स्पीकर इसीलिए मिले हैं चंबा जिले को, और डिप्टी स्पीकर भी कैबिनेट के रैंक के अकॉर्डिंगली वो होता है, पूरा तामझाम होता है, पूरे काम करने की कैपेसिटी होती है, स्टाफ होता है, और मुख्यमंत्री जी भी मंत्री ही नहीं, मुख्यमंत्री जी का रवैया तो विधायकों के प्रति भी जैसे मंत्रियों का काम करते हैं वैसे विधायकों का भी करते हैं। 100 में से 100 चीज़ें हमारे अकॉर्डिंगली नहीं हो सकती। अगर मैं मंत्री, मैं सोचूं कि मुख्यमंत्री हर चीज़ मेरे विभाग में मेरे अकॉर्डिंगली करें, कुछ उन्होंने अपने भी सोच रखनी है, कुछ हमारी सोच का भी ध्यान रखना है, कुछ विधायकों की सोच का भी ध्यान रखना है, क्योंकि जो मुखिया होता है परिवार का उसको सबका ध्यान रखना है। इसलिए मुख्यमंत्री जी, मुझे पूरा विश्वास है विधायकों का इस बार पूरा हमारे मुख्यमंत्री जी सम्मान रखते हुए उनके विधानसभा क्षेत्रों का भी उतना ध्यान रखेंगे। बाकी मैं आपके नजदीक हूँ, आप जैसे कहेंगे चंबा वाले, हमारे विधायक जैसे अपनी बात रखेंगे, यहाँ से नई अर्जी है हमारे साथ, तो अकॉर्डिंगली हम उस विकास को आगे बढ़ाएंगे। मैं चंबा कई बार आई तो मैंने दोनों टेंपल नहीं देखे हुए थे आपके, फर्स्ट टाइम। मैडम नए आदमी नई सोच है नहीं। अच्छा जी, थैंक यू। ये तो दोनों उसमें है सरदारी, ये भाग्य की बात है, हमारे लिए स्पेशल चाहिए ये जम्मा, भाग्य के बिना तो नहीं ना मैं होता। जो दोहर है ना हमारी, इसमें कोई दोहरा नहीं। अभी चंबी रैली में तो मैंने चंबा का रुमाल ही मंगवाया था, मैंने कान सिंह को बोला, मैं कहा फटाफट देख, हाथ के काम का कला है ना, बिल्कुल उसको हम खरीदेंगे तभी बनाने। कहाँ जाएगा वो? मैंने अमेरिका भी देखा, मैंने लंदन भी देखा, और मैंने धर्मशाला के भी आपा देते कि बस सिवर्स के लोग बिठाते हैं, कई बार अच्छे कैम में बहम भी हो जाता है। और सबसे बेस्ट तरीका अगर आप समझे ना लंदन में क्या है, सुबह सुबह